ताश के 52 पत्ते, पंजे 26 सत्ते 8। ये जो ताश के 52 पत्ते हैं ये अभी की इजाद है। उससे पहले तो आपने देखा होगा जो कोई कथा वगैरह में जुआ दिखाया जाता है और जुए का वर्णन आता है। जुए का वर्णन एक धम्मपद के अंदर भी आया हुआ है। धम्मपद मैंने बनाया हुआ है, जल्दी ही पब्लिश होगा तो आपको उसमें जुए का जिक्र भी मिल जाएगा। दरअसल जुआ है क्या, इसको समझ रहे हैं। जुआ जो लालच है उसको पूरे करने का एक माध्यम है। लालच जो होता है वो मार होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, आपको बर्बाद करने का एक तरीका होता है, आपकी मृत्यु का एक कारण होता है जिसको लालच बोलते हैं। और लालच को पूरा करने के लिए बहुत तरह के जुए बनाए गए हैं, गैम्बलिंग बनाई गई है। तो ऐसा ही एक जुआ है ताश के 52 पत्ते। अब बेसिकली जुआ होता क्या है, जुआ होता है कि जब आप बिना मेहनत के कोई चीज प्राप्त करना चाहें उसको जुआ बोलते हैं। जैसे सेंसेक्स है आज की देर में, और जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज में चलते हैं जिनको सेंसेक्स बोलते हैं, चाहे वो निफ्टी है, चाहे BSE है, चाहे वो कहीं का भी किसी भी देश का है, इसमें लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगा के आपस में ही खरीद फरोख्त करते हैं। यानी माल एक्चुअल में नहीं खरीद रहे, वो माल का स्टॉक खरीदते हैं और उस पर वो पैसे को किन्हीं भी छोटी मोटी घटनाओं के तहत में अचानक पैसे को या तो बढ़ा देते हैं उसके रेट को या घटा देते हैं। और बिना मेहनत किए लोग, बिना उसमें फैक्ट्री में काम किए, बिना इंडस्ट्री में काम किए, बिना कंपनी में काम किए, कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है उसको तो मिलता है 50,000 रुपये महीना, और कंपनी के उस बिहा पे सेंसस में जुआ खेलकर लोग 50 करोड़ भी कमा लेते हैं। ये बिना मेहनत का पैसा है। इसी तरह से पुराने समय में जो दूध क्रिया होती थी, दूध क्रिया बोलते थे जिसको, वो भी हुआ करती थी। और ये जगह जगह जो शर्त लगाते हैं, हम जो कहते हैं ये शर्त है, आ जाओ ये शर्त है, ये अगर चिड़िया यहाँ बैठेगी तो मैं तुझे इतना खाना दूंगा, ये चिड़िया वहां बैठेगी तो इतना दूंगा, लगी शर्त, तो जो शर्त लगाते हैं वो भी जुए का एक अलग रूप है। और ये जो ताश के 52 पत्ते हैं ये भारत में और पूरी दुनिया में चलता है, क्योंकि इसमें 52 पत्ते होते हैं, जेब में रख के कहीं चले जाते हैं। एक आदमी के छोड़ के अगर दो हो जाते हैं तो खेलना शुरू कर देते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो, फिर सब तरह के खेल बनाए हुए हैं। जब आदमी जुआ खेलता है तो उस समय उसका जो विकार होता है, विकार का मतलब है जो उसके अंदर डिसीज और बीमारी होती है उसके मन में, वो बड़ी हो जाती है। जुए में जो व्यक्ति बैठता है वो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार है। ये बात बिल्कुल तय है कि अगर कोई व्यक्ति लॉटरी में पैसा लगाता है, क्योंकि लॉटरी का जो टिकट है वो जुए का एक परिष्कृत रूप है। आपने 100 रुपए का टिकट लिया और 1 लाख के इनाम की आपने उम्मीद की, ये जुआ है। शर्त है कि आपका नंबर आ गया तो 1 लाख मिलेगा, लालच है इसके अंदर। तो जब व्यक्ति जुआ खेलता है या जुआ खेलने की सोचता है या जुआ खेलने वालों के पास भी खड़ा होता है तो उसका माइंड, उसका मन करप्ट हो चुका होता है, वो जुआरी बन चुका होता है। जो जुआरी नहीं होगा वो ना तो जुए की बात करेगा, ना जुए वालों के पास खड़ा होगा, ना जुए वालों को देखेगा, ना उनका गेम देखेगा, ना उसमें वो इन्वॉल्व होगा चाहे किसी तरह का। इसलिए ये लालच की बीमारी जितने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज्यादा है, जितने कम है उनमें कम है। ये क्वांटिटी इस बात से डिपेंड करती है कि आप कितना बड़ा लालच लगा के जुआ खेलते हैं। अब जुए में दाव लगाने के लिए आपको कुछ चाहिए, यानी कि जब आप दाव लगाएंगे, टिकट खरीदेंगे तो कुछ पैसा चाहिए, सेंसेक्स में पैसा लगाने के लिए चाहिए, या वहां अगर ताश के पत्तों में जुआ लगाना है तो शर्त है कि ये पत्ते अगर आपके आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, वो पत्ते उधर जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, जो पत्ते आपने चूज किए हैं, जो आपने तय किए हैं। तो दाव पे लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा आप घर में अपनी मेहनत का कहीं ना कहीं से लेके आएंगे। अब खेल सारा यहां से शुरू होता है, बुद्धिज्म यहां से आता है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है कि मार कैसे काम करती है, तो मार इसमें लालच के रूप में काम करती है। अब आपको लालच आ गया और लालच ने आपके मन पे कब्जा कर लिया, अब आप जुए में बैठ के और जुए में बैठ के आप खेलने लगे। एक तो जुए में जुआरी को उस लालच के अलावा कुछ दिखाई दे देता नहीं, चाहे घर वाले कुछ भी बोले, चाहे पड़ोसी कुछ भी बोले, फिर वो जुए में तल्लीन हो जाता है तो किसी की नहीं सुनता, वो वहीं बैठा रहेगा, उसको उस जुए के अलावा जाना नहीं है। हर एक जुआरी ये समझ के बैठता है कि वही जीतेगा तो फिर हारेगा कौन। और जुआ आज तक की हिस्ट्री में जितने भी गैम्बलिंग है उसमें एक बात तय है कि कभी भी जुआ खेलने वाला जीता नहीं। दुनिया की हिस्ट्री है कि जुआ खेलने वाला कभी नहीं जीता, और ये भी दुनिया की हिस्ट्री है कि जुआ खिलाने वाला कभी हारा नहीं। जो जुआ खिलाते हैं, जिनके कैशिनो हैं, जिनके ताश खिलाते हैं, अड्डे हैं, या जो टिकट बेचते हैं, या जो सेंसेक्स चलाते हैं, या जो कमीशन खाते हैं, या जो बीच में कमीशन ले लेते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन गई,
और जो जुआ खेलने वाले हैं उनके मकान भी बिक गए और उनकी बीवी बच्चे भी बिक गए, बहुत हो गए तो परिवार भी बिक गए, बच्चे भी बिक गए, औरतें भी बिक गई। ये जुआ खेलने वालों की पूरी दुनिया में स्टडी है, एक सिंगल परिवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जुआ खेलता हो और बहुत ज्यादा बड़ा बन गया हो, और एक परिवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जुआ खिलाता हो और वो गरीब हो। जुआ खिलाने वाला कभी जुआ नहीं खेलता, क्योंकि जुआ खिलाने वाले को ये पता है कि जुआ खेलने वाला कभी नहीं जीतेगा। ये फिनोमिना क्या है इसको सीखें। आपने लॉटरी का टिकट लिया, लॉटरी के टिकट में 100 रुपए इकट्ठे हुए, 100 टिकट बिके, उसमें से इनाम जिसका निकलेगा उसको 90 मिलेंगे, तो खिलाने वाले को कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। यानी किसी एक का नंबर आया 100 में से, उसको उसने 90 रुपए दे दिए, 10 रुपए उसने खुद ले लिए खिलाने के। तो अब जिनके 100 रुपए थे उनके पास 10 रह गए, अगली बार जब वो टिकट खरीदने आएंगे तो फिर वो अपनी जेब से 10 रुपए और मिलाएंगे, 10 रुपए मिला के फिर वो 100 टिकट खरीदेंगे, और जब टिकट का नंबर 1 आएगा तो जीतने वाले को फिर वो 90 रुपए दे देगा, 10 रुपए फिर ले लिया जाएगा। ऐसे ही करते 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 अगर वो 10 दिन तक लगातार 10-10 रुपए ले लेता रहा तो खिलाने वाले को 100 रुपए मिल गए, और जो 100-100 रुपए इकट्ठे कर रहे थे उनके 100 रुपए चले गए, यानी 10-10 करके उनके 100 रुपए चले गए। तो पैसा किसके पास आ गया? खिलाने वाले के पास। खेलने वाले के पास अपना घर बेच के और लेके आओ। ऐसे ही सेंसेक्स के अंदर होता है। सेंसेक्स के अंदर क्या होता है कि जिनकी मार्केट पिट जाती है वो अपना घर मकान बेच के उसमें पैसा लगाते हैं, ये सोच के कि मार्केट उठेगा। मगर इसमें जो बड़े खिलाड़ी बड़े देश होते हैं उन्हें पता रहता है कि मार्केट कब उठाना है कब नहीं उठाना है, और इसमें जो गरीब लोग हैं उनके पैसे चले जाते हैं और वो 20 साल इंतजार करते रहते हैं कि कब उनकी मार्केट उठेगी, कब उनको पैसा मिलेगा। ऐसे ही जो जुआ खेलता है, जब जुआ खेलता है तो हर एक आदमी को लगता है कि वो जीतेगा, कोई ना कोई दाव आएगा, एक बार दाव आता भी है तो उसको लगता है वो जीत गया और लालच में वो खेलता रहता है, आखिरकार वो हार जाता है। उनमें अगर 4 लोग जुआ खेलते हैं तो उनमें 3 हार जाते हैं 1 जीत जाए। जो जीत जाए वो क्या करता है, उस पैसे को शराब में कबाब में जुए में लुटाता है। अगली बार वो फिर खेलते हैं, फिर शराब कबाब जुआ, फिर खेलते हैं, फिर शराब कबाब जुआ, फिर खेलते हैं, शराब कबाब जुआ। इस तरह से जो वो अपने जितने भी व्यापार होते हैं उनमें सारा पैसा खर्च करता है और घर का सारा पैसा धीरे धीरे करके व्यापार में चला जाता है। ये इसका फिक्स सिस्टम है, क्योंकि जुआ खिलाने वाला हर बार थोड़ा सा पैसा काट लेता है और वो कटा हुआ पैसा इकट्ठा हो जाता है और लोग उसमें कटवाते रहते हैं और उनका सारा घर परिवार बिक जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस जुए वाले जो धम्मपद है उसमें साफ कहा था कि ऐसा जुआ मत खेलो कि जिसमें तुम बर्बाद हो जाओ, तुम अपनी बुराइयों का नुकसान करो, उनको हराओगे तो तुम कभी नहीं हारोगे, फिर तुम हमेशा जीतोगे, ऐसा उन्होंने कहा। जो जुआरी होता है जब जुआ खेलता है तो आप ध्यान दोगे कि उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसके कान गर्म हो जाते हैं। कोई अगर आप एक्सपीरियंस कभी किया हो आपने किसी लॉटरी का या बाजी का, तो लालच का जो संवेदना है, लालच की जो वेदना है वो कानों से आती है, यानी कि कान गर्म हो जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे लोगों के कहते हैं मेरे तो कान गर्म हो गए, और वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं क्योंकि लालच, शरीर में सारी जितनी बुराई हैं उनकी संवेदनाएँ कहीं ना कहीं आती हैं, लालच की संवेदनाएँ इस कान वाले क्षेत्र में और इस शरीर में ऊपर से आती है, यानी हेड से होती हुई कान तक आती है, और कान बिल्कुल लाल पड़ जाते हैं। काला व्यक्ति भी होगा तो अभी उसके और ज्यादा काले पड़ जाएंगे, और अगर सफेद व्यक्ति होगा तो उसके लाल हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज्यादा होता है, उसको वो लालच इतना ज्यादा कर देता है, कई बार हार्ट भी फेल हो जाता है लालच के चक्कर में। ये पूरा ताश के 52 पत्ते का खेल है। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या किसी को जुए का व्यसन लगा हुआ है या जुए का अगर कोई किसी को ऐसी दुर्कीड़ा की कोई लत लगी हुई है तो वो ये मान ले कि उसका घर परिवार बर्बाद होकर ही रहेगा निश्चित। और इसका सिर्फ एक तरीका है कि जुए वालों के पास खड़े नहीं होना है, उनको जुआ नहीं खेलने देना है, उनका ताश के 52 पत्ते फाड़ के फेंको, एक डंडा अच्छा सा लो, उनकी सुताई करना, उनकी ठुकाई करना शुरू करो, 2-4 दिन सुताई ठुकाई होगी, अच्छी तरह से मान जाएंगे, फिर नहीं खेलेंगे। जुए में आज तक भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बर्बाद होने से बचा हो। जो जुए में हारता है, बर्बाद होता है, वो शराब पीता है, व्यभिचार करता है, अनंत उसका परिवार या तो आत्महत्या करता है या भीख मांगता है या मर जाता है, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं।
कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.